अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे। दोस्तों, मैं बल्ली आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप रिज्यूम किस प्रकार से बना सकते हो। रिज्यूम बहुत जगह जरूरत पड़ती है रिज्यूम की जरूरत इसलिए पड़ती रहती है हम लोगों को, ताकि जैसे कोई भी कंपनी में इंटरव्यू वगैरह देने जाए, जो गवर्नमेंट के जो होता है उसके उसमें तो खास करके रिज्यूम की जरूरत नहीं पड़ती है। जब भी आप प्राइवेट कंपनी वगैरह में जाते हैं तो उसमें आपको रिज्यूम की जरूरत हमेशा पड़ती रहती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने रिज्यूम किस प्रकार से बना सकते हो अपने फ़ोन से सीधे। ये छोटा सा ऐप है, उसके ज़रिए आप किस प्रकार बना सकते हो। कोई एडिटिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है, सीधे फ़ोन से बनाने की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो लाल वाला बटन दिख रहा है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, वो दबा के और पास में आ रहे बेल के आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। ये दोस्तों बिल्कुल फ्री है। चलिए चलते हैं हमारे मोबाइल में और बात कर लेते हैं। अभी हम रिज्यूम की बात कर रहे थे, आपको रिज्यूम किस प्रकार बनाना है। तो सबसे पहले रिज्यूम बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में अपने फ़ोन का प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है फ्री रिज्यूम ऐप, मैं कर लेता हूँ चलिए FRW फ्री रिज्यूम। चलिए यहाँ पर ये आ गया सबसे ऊपर वाला, ये आपको 4.7 MB की एप्लीकेशन है, आपको इंस्टॉल कर लेनी। फ्री रिज्यूम इंस्टॉल करने मेरा इंस्टॉल किया हुआ है, तो चलिए मैं अपडेट बाद में कर लूँगा। यहाँ पर ये देख सकते हो कुछ इस प्रकार का आइकन दिखेगा आपको, तो चलिए अभी इस पर आपको मैं क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखा देगा। मैं डाटा बंद कर देता हूँ, वरना बीच में ऐड वगैरह आएंगे। ठीक, तो आप इसमें लेटर वगैरह भी भेज सकते हैं, और ये नीचे फीडबैक वगैरह ये है। उसमें ऊपर वाले दो ऑप्शन आपके काम के हैं, तो पहला तो है जो रिज्यूम बनाने के लिए, दूसरा है कवर लेटर के लिए, मतलब किसी को लेटर वगैरह भेजना तो उससे भेज सकते हो। तो मैं क्रिएट रिज्यूम पर क्लिक कर लेता हूँ। अभी इस टाइम क्रिएट रिज्यूम पर क्लिक करें, ये ऐड आ गया, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पर्सनल इन्फो, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट डिटेल, ये सब आपको दिखाई देगा। तो इसमें आप जितना स्किप करना चाहते हो स्किप कर सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले पर्सनल इन्फो पर क्लिक कर लेना है, यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है। चलिए मैं अपना नाम डाल लेता हूँ। ठीक है, तो मैं अपना यहाँ पर नाम डाल लिया। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है, चलिए आपका जो भी गाँव है आप डाल सकते हो। मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ शुरू, जो भी गाँव वगैरह है वो डाल सकते हो यहाँ पर। चलिए मैं ये डाल लिया। और तीसरे पे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट या डाल लेना है स्टेट का, इसलिए मैं यहाँ पर राजस्थान डाल लेता हूँ। राजस्थान डालने के बाद यहाँ पर एड्रेस आप एक और डाल सकते हो, यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हो, यहाँ पर फ़ोन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल लेना, और मेरिटियल स्टेटस मतलब उसमें ऑप्शनल है, इसमें डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें जो आपको ये जो रेड का स्टार का चिन्ह दिख रहा है पास में, वो डालने आपके ज़रूरी है। चलिए मैं कुछ भी ईमेल आईडी डाल लेता हूँ, यहाँ पर मैंने वैसे ही कर दिया, ईमेल आईडी डाली और मैंने ये कुछ भी ऐसे ही फ़ोन नंबर डाल लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने फ़ोन नंबर डाल दिया। डेट ऑफ बर्थ भी ऑप्शन है, आप डालो या सभी डालने को जरूरत नहीं है। नेशनलिटी आप यहाँ पर इंडियन वगैरह डाल लेना, फिर सेव कर लेना। ठीक है, सेव सक्सेसफुली हो गया। इसमें बाद में आपको डालना है एजुकेशन में आपको सब कुछ यहाँ पर डाल लेना है, किस प्रकार से क्या एक्सपीरियंस, क्या कोर्स किया है, इस प्रकार से सब डालना। डालने के बाद आपको मतलब इस प्रकार से आप सभी डिटेल डाल सकते हो आराम से। डालने के बाद आपको जनरेट रिज्यूम पर क्लिक कर देना। जैसे जनरेट रिज्यूम पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके सामने तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। ठीक है, क्रिएटिव रिज्यूम, एक्सपीरियंस रिज्यूम, फ्रेश रिज्यूम। तो आपको फ्रेश रिज्यूम मतलब अभी तक नहीं किया तो फ्रेश रिज्यूम कर देना। आप यहाँ पे टाइप सेलेक्ट कर सकते हो, किस प्रकार का फोटो वगैरह लगाना है या किस प्रकार का जो भी आपका टाइप हो, इसमें बहुत सारे आपको टाइप मिल जाती है, किस प्रकार से आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले वाले पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करें, ये कुछ इंट्रैक्शन बता रहा है, इसको मैं देख लेते हैं, कैंसिल करें। ये PDF में सेव करने के लिए डाउनलोड रिज्यूम, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर वाले में क्लिक कर देना है, आपका रिज्यूम डाउनलोड हो जाएगा। चलिए मैंने इतना ही डाला था, आप देख सकते हो ये PDF में, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने PDF में सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस में सेव करना चाहते हो। मैं सैंडिस्क कर लेता हूँ अपने कार्ड में, और डिफ़ॉल्ट नाम है इसका, इसी नाम से सेव कर लेता हूँ। चलिए मैंने ये सेव कर लिया, अब आपको दिखा देता हूँ मैं आपको ये किस प्रकार का दिखता है। तो चलिए मैं यहाँ पर आ गया अपने फाइल में, ऑल फाइल में चला जाने के बाद SD कार्ड में चला जाता हूँ। सबसे नीचे शायद मिल जाएगा डिफ़ॉल्ट। चलिए ये देख लेते हैं, हाँ ये रहा, आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार। चलिए मैंने इतना ही डाला था, ये देख सकते हो आप, इतना इसमें फोटो वगैरह सब कुछ आप लगा सकते हो आराम से, बड़े आराम से बन जाए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में पूरा जानना है, आपको किस प्रकार मतलब मैंने अभी तो ये शॉर्ट में बताया आपको किस प्रकार क्या कुछ डालना है, तो दोस्तों इसके बारे में पूरी डिटेल जाननी है तो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिए, मैं अगला वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको बता दूंगा कहाँ पर क्या कुछ डालना है आपको। तो दोस्तों, बस आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।